मित्रों, दिग्विजय देश की आवाज़ वॉइस फॉर वॉइसलेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मेरे साथ हैं पद्मश्री देश के जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर मोहसिन वली। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद मैडम। मित्रों, डॉक्टर साहब को अनेकों बार गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स, दुनिया भर के प्रशंसा और प्रशस्ति पत्र मिले हैं, क्योंकि ये हैं ही ऐसे जो अपना कीमती समय निकालकर देश के लाखों लाखों लोगों के जीवन में रोशनी भरते हैं। इनके अंदर खुदा का नूर है। ये कभी नहीं सोचते कि ये मेरा कीमती टाइम है तो मैं इसको किसी और ढंग से इस्तेमाल करूं, यूज़ करूं। कोरोना काल में उसकी आहट ही हुई थी और डॉक्टर वली ने पूरे देश को अपग्रेड करना शुरू कर दिया अपने खर्चे पर। इसकी परवाह नहीं की इन्होंने कि हमारा खुद का पैसा लग रहा है। और छोटी छोटी चीज़ें कि कैसे खांसें, यानी पहले यूं खांसते थे, ये भी इन्होंने बताया। और निरंतर इनकी ये सामाजिक सद्भाव, सामाजिक सेवा, सामाजिक शांति का मिशन इनका जारी है। और आज मैं उनसे एक बहुत ही अहम मसले पर गुफ्तगू करने के लिए यहाँ हूँ। इससे पहले अपने सभी आलोचकों को, अपने दर्शकों को, व्यूअर्स को, अपने मित्रों को, अपने वेलविशर्स को और अपने सलाहकारों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामना देती हूँ कि माँ दुर्गा उनके जीवन में सुख, शांति, धन संपदा, अच्छा स्वास्थ्य और सद्भाव लाए। मित्रों, हम लोग बात कर रहे थे डॉक्टर वली की, तो वली साहब का विज़न और मिशन दोनों ये चलते हैं यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र भाई मोदी के चरण चिन्हों पर। जैसे वो 15 अगस्त को उन्होंने लाल किले के प्राचीर से ये अनाउंसमेंट किया कि हम हेल्थ के सेक्टर में बड़ा भारी बदलाव लाने वाले हैं, और अभी कुछ भी समय नहीं निकला है और 27 सितंबर को उन्होंने आयुष्मान डिजिटल हेल्थ कार्ड की घोषणा कर दी। ये हमारे जीवन पे किस तरह का प्रभाव डालेगा, यही जानने के लिए आज हम डॉक्टर वली के पास हैं। डॉक्टर साहब, प्लीज़ ये बताइए कि ये जो कार्ड है, ये आम जनता के जीवन में क्या बदलाव ला सकता है या इसकी क्या उपयोगिता है और कैसे इसका लाभ मिलेगा नीचे पायदान के लोगों तक? उनके लिए ख़ास तौर से होगा। देखिए, हेल्थ का डिजिटाइजेशन जी, आज हम इस स्टेज पे पहुंच गए हैं जी कि हम अपने आम आदमी की बात की, नीचे के स्तर की बात की, आज हम उनका हेल्थ का डिजिटाइजेशन करने के स्तर पर पहुंच चुके हैं जी। एक बहुत बड़ी तादाद है, जो प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा कि हमारे देश में 113 करोड़ आधार कार्ड हैं जी, और 110 करोड़ के करीब मोबाइल फ़ोन, और करीब इतने ही 90 से 100 करोड़ इंटरनेट यूज़र्स हैं जी। पहले हम सोचते नहीं थे कि हमारे 80 साल के जो लोग हैं वो मोबाइल से मैसेज भी भेज पाएंगे कि नहीं, लेकिन अब वो कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जी ने खुद ये एग्जाम्पल दे के बताया है कि हम इस दिशा में समर्थ हैं। डिजिटल आईडी जो है, उसके लिए मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आज मेरे को अगर डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है और कोई बीमारी है और मैं बेहोश अवस्था में हॉस्पिटल जाता हूँ, तो हॉस्पिटल को कैसे पता लगेगा कि मैं क्या दवा खा रहा हूँ जी, मुझे ये बीमारी कब से है जी, और मैं इसको कैसे ट्रीट करवा रहा हूँ पहले जी। तो एक अंधकारमय माहौल से एक ज्योति वाले माहौल में लाने का एक ही तरीका है, वो है डिजिटल आधार कार्ड, जो मेरी जेब से निकलेगा और सारी उसमें डिटेल होंगी, मेरे ट्रीटमेंट की, बीमारी की, इससे पहले के हॉस्पिटलाइजेशन की, जो दवाएँ मैं खा रहा हूँ, जो खाता था उसकी। तो पूरा ये डिजिटल रिकॉर्ड जो है ये इंटरलिंक्ड होगा, इंडिया में कहीं भी इसको हम देख सकते हैं, डॉक्टर्स देख सकते हैं जी, हॉस्पिटल्स देख सकते हैं, पेशेंट खुद देख सकता है जी,
और उससे एक बहुत बड़ी जो चिकित्सकीय आवश्यकता है वो पूरी हो सकती है। यानी डॉक्टर साहब इसमें मेडिकल टेस्ट भी होंगे, इसमें दवाइयों का भी जिक्र होगा और इसमें बीमारी का भी जिक्र होगा। हाँ, पूरी जो मेडिकल हिस्ट्री है उसको इसमें डिजिटाइज किया जाएगा और ये कॉन्फिडेंशियल होगी जी, ये सबके लिए ओपन नहीं होगी। ये बहुत बड़ी बात है इसमें, क्योंकि हम हमेशा हमें पढ़ाया गया है कि मेडिकल जो आपका हिस्ट्री है, फाइंडिंग्स हैं, वो कॉन्फिडेंशियल होती हैं जी, और ये उसी को शेयर कर सकेगा वो जिसको इसकी ज़रूरत है, और जब ज़रूरत है वो शेयर कर लेगा। यानी होगा थ्रू OTP? जी बिल्कुल, एक OTP आएगा तभी हाँ, वो देख सकेंगे। वो भी होगा, और इसके अलावा जो एक्सेस है इसकी, वो जो मेडिकल के लोग हैं उनको एक्सेस इसकी होगी। और देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, आधार कार्ड जब बनने शुरू हुए थे जी, तो लोगों ने सोचा था कैसे इतने बड़े देश में आधार कार्ड बन पाएंगे। अभी मैं आपको टीकाकरण की मिसाल दूं जी, आज हम दो तिहाई आबादी को टीकाकरण कर चुके हैं जी हाँ जी हाँ, और शुरू में नहीं इसका अंदाज़ा लगाया जा रहा था जी, और इसी तरह से ये भी हो जाएगा जी। हमारे देश में प्रतिभा की, टैलेंट की कमी नहीं है जी। दूसरी बात मैं ये कहता हूँ लोगों से कि हमारे यहाँ सबसे बड़ी जो खूबी है वो ये है कि हम जिस बात को ठान लेते हैं जी उसको कर गुजरते हैं जी। अब प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पर जैसे लोगों ने ठाना कि आज टीकाकरण करवाना है, तो उस दिन 2.25 करोड़ टीके लग गए जी। तो ये जो चीज़ हम करते हैं ना, तो ये हमारे सामर्थ्य पे डिपेंड करती है जी। डॉक्टर साहब एक चीज़ बताइए कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो इसको कैसे लेंगे? नहीं नहीं, इसमें हॉस्पिटल को कोई इसके ज़रिए क्लेम नहीं मिलेगा, क्योंकि वो जो पहले वाला था वो आयुष्मान भारत वाला, ये एक डिजिटलाइजेशन ऑफ द मेडिकल रिकॉर्ड्स है पहले तो जी, और इसको उससे भी लिंक किया जाएगा जी, ऐसा नहीं है कि उसको अलग छोड़ दिया जाएगा। तो इसमें हॉस्पिटल्स का इंटरेस्ट ये होगा कि उनके पास हर मरीज़ की हिस्ट्री, डेटा और स्टोरेज ये सब होगा, और एक जो सेंट्रल डेटा बेस होगा उसके पास भी होगा जी। और इससे सबसे बड़ा जो स्टेटिस्टिकल फ़ायदा होगा, एट ए गिवन टाइम हमको हमारे देश में कितने लोगों को कौन सी बीमारी है जी, उसका आंकलन करना बहुत अच्छा हो जाएगा। और जैसे हम उसके लिए सुविधाओं का अभाव है, सुविधाओं को हम देना चाहते हैं, कहाँ पे ब्लड प्रेशर की बीमारी ज़्यादा है, किस गांव में डायबिटीज़ ज़्यादा है, किस गांव में ब्लड प्रेशर ज़्यादा है जी, तो ये सब चीज़ें जो हैं ये जब तक हम उसको डिजिटाइज नहीं करेंगे, उसको एक तरह से रिकॉर्ड में नहीं लाएंगे, तब तक वो बहुत ज़रूरी होगा कि इसमें हमारी सक्सेस जो है इस पर डिपेंड करे ये आगे आने वाले दिनों में जी। यानी आपके हिसाब से जी ये एक सचमुच सामाजिक बदलाव का एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी मैं तो कहूँगा, इसमें इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, और इसके लिए एक बहुत बड़ा विजन चाहिए था। देखिए बहुत कम देशों में है ये, अच्छा गिनती के चंद देशों में है जी, खास तौर से यूरोप में है इसका प्रचलन, लेकिन सब जगह नहीं है जी। तो हमारे देश में अब ये जो होने जा रहा है, और मुझे यकीन है कि आगे आने वाले अन्य चंद सालों में जी ये बहुत अच्छे से इसकी प्रोग्रेस होगी। और इस समय जो ज़माना है, जो हम बात करते हैं डिजिटाइजेशन का ही ज़माना है, एवरीथिंग शुड बी डिजिटाइज। यानी मोदी जी हम लोगों को बैकवर्ड नहीं रहने देंगे, वो एट पार विद अदर कंट्रीज हम लोगों को सीखना ही होगा। वो तो है, बैकवर्ड तो कभी भी नहीं था भारत। मैं कल ही पढ़ रहा था सुश्रुत संहिता में जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो आजकल के मॉडर्न सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट से ज़्यादा हैं जी, लेकिन हमने उसको एक्सप्लोर नहीं किया जी, हमने उससे सीखने की कोशिश नहीं की जी। तो हमने तो वर्ल्ड को ज़ीरो दिया, हमने वर्ल्ड को बहुत सी चीज़ें दी। अभी मैंने एक बहुत बड़ा सेमिनार बोला था, मैंने उसमें ड्रोन दिखाया था जी कि देखिए ड्रोन से टीका जा रहा है, ड्रोन से हार्ट का मॉनिटर जा रहा है जी। मैंने उसमें पुष्पक विमान भी दिखाया जी कि देखिए ये उड़ने की जो क्षमता थी पहले भी थी जी। और ऐसे ही संजीवनी बूटी का तो सबने सुना ही है जी। तो ये चीज़ें हैं, हमारा देश का जो इतिहास है वो चिकित्सा के हिसाब से बहुत रिच रहा है, लेकिन हमने कहीं ना कहीं उसको ठीक से एक्सप्लोर नहीं किया। सब ये जो मिशन है ये नेशनल हेल्थ मिशन के द्वारा चलाया जा रहा है,
देखिए ये जो है एक कार्ड है, यूनिक आईडी कार्ड, हाँ हेल्थ कार्ड भी कह सकते हैं हम, और ये लिंक हो जाएगा। इसको हम किसी चीज़ से भी लिंक कर सकते हैं, इसको हम आधार कार्ड से भी लिंक कर सकते हैं, इसको हम जो हमारा जी और जो हमारा ये जो आपने यूनिक आईडी वाला और जो प्रधानमंत्री का पिछला जो मिशन है जी, उससे भी आयुष्मान भारत मिशन से भी हम लिंक कर सकते हैं जी। तो इट विल बी इंटरलिंक्ड और कॉन्फिडेंशियलिटी का इसमें इशू जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, और आगे देखना है कि इसको हम कैसे और अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और इसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो जल्दी हो जाएगा। डॉक्टर साहब एक बहुत बड़ी बात है वो ये है कि बहुत सारे डॉक्टर्स को अभी भी नेट से वो बहुत वाकिफ नहीं है, एक बात। दूसरी बात, हर शहर में नेट और कंप्यूटर नहीं है, तो ऐसी स्थिति में इस कार्ड की क्या पोजीशन रहेगी? देखिए हॉस्पिटल्स में और जो संस्थाएं हैं उसमें तो नेट है जी, ये हम नहीं कह सकते जी। और हमने अभी देखा जो बच्चों की स्कूलिंग में जी 90% बच्चों को नेट की सुविधा मिली है जी। अब देखिए हर काम में समय लगता है, धीरे धीरे होता है। जब वोटर आईडी बननी शुरू हुई थी तो मैं तो बहुत छोटा था, जब मैं देखता था मैं खुद ही सोचता था कि कैसे बन जाएंगी जी। अभी आपको इतनी भी फैसिलिटी क्या है, आप इन चीज़ों में कोई भी चेंज करना चाहें तो ऑनलाइन कर सकते हैं जी, और इसे अप्लाई तो, भी ऑनलाइन करना है। और ये सब चीज़ें भविष्य के लिए बहुत ज़रूरी हो जाएंगी जी, और इसके बगैर काम नहीं चलेगा। ये आधारभूत जो है एक आवश्यकता होगी और इसके बगैर काम नहीं चलेगा, इसलिए हमको सबको इसमें लगना है जी, और इसको अपने लिए अपना काम अपनी सुविधा समझ के करना। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ जी। मैं बीमार हुआ था, मैं घर से होश में गया था जी, हॉस्पिटल जाने के 3 घंटे के बाद मैं बेहोश हो गया जी। 3 दिन बाद मेरी तबीयत ख़राब हुई, मुझे हल्का सा होश था और मुझको उस समय इस बात की ज़रूरत महसूस हुई कि मैं जो दवाइयाँ खा रहा था घर से जो खाता हुआ आया था जी, वो इन डॉक्टर्स को बताऊँ। हाँ, मैं इतने होश में नहीं था जी कि मैं उनको वर्बली बता सकता। मैंने उनको लिख के कोशिश की बताने की, वो भी कई बार में वो समझ पाए, क्योंकि मेरी हैंड राइटिंग भी ऑक्सीजन की कमी से ठीक नहीं थी जी। अगर मेरी जेब में वो आईडी होती जी तो उस पर सारी डिटेल उनको रेडीली मिल जाती जी। तो इसकी ये इम्पोर्टेंस है और ये लाइफ सेविंग होगी कई लोगों के लिए जी, कई इंस्टेंसेस में ये लाइफ सेविंग होगी, क्योंकि एक जब मरीज हॉस्पिटल आता है और वो होश में नहीं होता है तो उसकी हिस्ट्री कौन देगा जी? वो ही देगा कार्ड, हेल्थ कार्ड देगा। तो आपके हिसाब से ये मोदी जी का एक बहुत ही प्रशंसनीय काम है? हाँ, इसकी ज़रूरत भी थी, प्रशंसनीय तो आई है, लेकिन इसकी जो है हम एक बार फिर से पूरे वर्ल्ड को दिखाएंगे कि हम इस तरह के कार्ड बना के लोगों की स्वास्थ्य सेवाओं को इम्प्रूव कर सकते हैं जी। और हमारे यहाँ ये कार्ड्स बनने ऐसी कोई मुश्किल काम नहीं है, आप किसी अच्छे हॉस्पिटल में जाते हैं फट से आपका एक आईडी कार्ड बन जाता है उसी समय जी। कोई बड़ी बात नहीं है आजकल के टाइम में ये। डॉक्टर साहब उसका माइनस पॉइंट बता दीजिए अगर कोई आपको दिखता है तो। पॉइंट तो इसमें एक ही था जो मैंने शुरू में बता दिया है कि जिसकी डाटा की प्राइवेसी को, उसकी सुरक्षा को उसको कंसर्न है, उसके लिए इसमें बिल्कुल प्रोविजन है कि आपका मेडिकल का जो हिस्ट्री है, आपका जो और भी मेडिकल से संबंधित बातें हों, पूरी तरह गोपनीय होंगी और उसको कोई आम आदमी एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो इसलिए इसमें कोई, मुझे नहीं लगता कोई नेगेटिव पॉइंट है इसमें। जान बचाने के लिए जब मैं कह रहा हूँ ये कार्ड यूज़फुल होगा तो मुझे तो इससे बड़ा तो कोई फ़ायदा ही नहीं लगता जी। डॉक्टर साहब पहले 2% हेल्थ का बजट था, कोरोना के बाद क्या चेंजेस आए इसमें? देखिए बजट को अगर हम ऐसे देखें कि आइंदा आने वाले दिनों में, और जब से नड्डा जी स्वास्थ्य मंत्री बने थे उन्होंने इसको बढ़ाने की तरफ उस डायरेक्शन में काम किया है। दूसरा उन्होंने इम्पोर्टेंट काम ये किया है कि रूरल हेल्थ सर्विसेज को अच्छा किया जाए जी। और तीसरा उन्होंने सबसे अच्छा काम जाते जाते ये किया था कि वो अपनी जो ऐसे आप बता रहे हैं इसमें इजाफा हो। और हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि इसकी वजह से
पेशेंट सफ़र करते हों, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा है, 70% है जी। तो हर एक व्यक्ति मेडिकल से कवर होता है और ऐसी बात नहीं है। और मैं तो कहूँगा हमारे देश में ये बहुत कम देशों में ऐसी सुविधा होती है जो लोगों को हॉस्पिटल में फ्री दवाएं, फ्री इलाज, फ्री बेड, सब चीज़ फ्री मिलती है। ऐसा ज़्यादातर मुल्कों में नहीं है, इंश्योरेंस पे करता है या हॉस्पिटल चार्ज करता है। तो हमारे यहाँ अभी भी जो मेडिकल की जो सुविधाएं हैं बहुत सस्ती, बहुत अच्छी और बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव उपलब्ध हैं, ऐसी बात नहीं है। और नहीं तो इतना बड़ा पेंडेमिक हमने झेला है तो लाशों को तो ढेर लग जाने थे, ऐसा नहीं है। हमारी मेडिकल सुविधाएं और हमारे डॉक्टर वर्ल्ड क्लास हैं और वर्ल्ड की बेस्ट सुविधाएं इंडिया में हैं, मैं ये कह सकता हूं और मैं हमेशा कहता हूं। डॉक्टर साहब, डॉक्टर्स तो हमेशा से काम करते थे लेकिन इस बार जो उनकी उनकी क्वालिटी, उनका प्रोफेशन और उनकी जो इज्जत अफजाई हुई है, वो आपको कैसा लग रहा है? पहली बार आपको लग रहा है ना कि कुछ ख़ास तौर से आपको ट्रीट किया जा रहा है आपके समाज को, डॉक्टर्स फ्रेटर्निटी को? डॉक्टर कभी भी जब सेवा करता है या कोई चिकित्सा करता है या मरीज़ का इलाज करता है तो मैं जैसे मेरी मान्यता है वो यही है कि वो ही डज इट टू प्लीज द गॉड, टू क्रिएटर। तो हम भगवान को, खुदा को, ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए ये काम करते हैं, हम किसी से वाहवाही लूटने के लिए ये काम नहीं करते हैं। और डॉक्टर को जब दिखावा उसके मन में आएगा तो उसका मिशन पूरा नहीं होगा। तो मैं हमेशा यही कहता हूँ, डॉक्टर अपना काम करें, वर्क इज़ दाई ड्यूटी, रिवार्ड इज़ नॉट दाई कंसर्न। तो शुभम करोति कल्याणम, आरोग्यम धन संपदा। तो हेल्थ इज़ वेल्थ। तो जब हम हेल्थ का काम करते हैं तो हम यथो वेल्थ ट्रांसफ़र करते हैं मरीज़ को हेल्थ के फॉर्म में, या वो मरीज़ हमें वेल्थ ट्रांसफ़र करता है फीस के फॉर्म में। तो बोथ वेज इट इज़ एप्लीकेबल जी। लेकिन इस पर नज़र होनी चाहिए मरीज़ के फ़ायदे पर और मरीज़ की अच्छाई पे, मरीज़ को वेल विश करने पे और मरीज़ की मदद करने पे। और उसमें जो आनंद की अनुभूति और प्राप्ति होती है वो यूनिक होती है जी, जब आपका पेशेंट ठीक होके जाता है। हाँ, पेशेंट कितनी दुआएं देता है उसको, यानी वो आपका चरम सुख है। बिल्कुल, वो चरम सुख की जो अनुभूति है ना वो किसी भी बड़े से बड़े अमाउंट से बड़ी है, वो उसको हम फाइनेंस के उसमें इक्वेट नहीं कर सकते। बहुत बड़ा एक इस प्रोफेशन के साथ एक अच्छाई है और हमारे डॉक्टरों ने हमेशा बड़े अच्छे काम किए हैं। हमारे यहाँ बीसी रॉय जैसे डॉक्टर हुए हैं जी, अभी भी बहुत से डॉक्टर्स ऐसे हैं जो गांवों में फ्री सेवा करते हैं जी, और उनको ईश्वर जो है सब कुछ देता है। तो ये तो वहाँ से है। तो हमारा जो प्रोफेशन है, ये मैं आखिरी बात ये इस बात के साथ बता दूँ कि ये अभी भी स्पिरिचुअल प्रोफेशन है और इसकी स्पिरिचुअलिटी को कायम रखने का बेहतरीन तरीका ये है कि हम मरीज़ के साथ ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए अपना काम करें, न कि किसी और को प्रसन्न करने के लिए करें। तो उसका रिवॉर्ड भी ईश्वर देगा और वो वहाँ का जो रिवॉर्ड मिलेगा वो अनलिमिटेड होगा जी। डॉक्टर साहब, एक आखिरी क्वेश्चन, आपने तीन तीन राष्ट्रपतियों के साथ काम किया, आपने बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर्स देखे, मोदी जी के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? क्या वो सचमुच राष्ट्र के लिए बहुत अच्छे हैं? पिछले दो दिन से मैं देख रहा हूँ, कल वो लखनऊ में थे और आज भी तमाम सारे प्रोग्राम कर रहे हैं। तो एक वो एक मिशन पे चल रहे हैं और उस मिशन में मैं यही कामना करता हूँ कि भगवान उनको और ज़्यादा देश की सेवा करने का अवसर दे और उनको कामयाब करे। और इसमें हम सब को उनके साथ रहना चाहिए और कोई भी काम अगर कोई व्यक्ति दिल से करता है तो उसको सक्सेस ज़रूर मिलती है, ऐसी मेरी कामना है। थैंक यू। मित्रों, ये हैं डॉक्टर मोहसिन वली। अच्छा, इनके नाम का अर्थ ना इन्हीं से पूछते हैं। डॉक्टर साहब, अपने नाम का अर्थ बताइए। फेथफुल फ्रेंड ऑफ गॉड, मोहसिन। हाँ, मोहसिन का मतलब जो एहसान करे आप पे, अच्छा करे आपके लिए, अच्छा सोचे, अच्छी तरह आपके काम आए, आपका हितैषी हो। या खूबसूरत जी, खूबसूरत भी है वो भी है, हितैषी है इसका अनुवाद, और वली तो फ्रेंड ऑफ गॉड है ही। तो नाम का भी असर होता है, ऐसा नहीं है, नाम का असर होता है। तो मित्रों, इन्होंने बीच में एक बात, नाम का तो अर्थ आपको पता लग गया, वैसा ही ये काम भी करते हैं। जो सबसे बड़ी बात है वो ये है जो इन्होंने खुद बताई कि ये पिछले दिनों कोरोना के मरीजों की सेवा करते करते खुद भी कोरोना ग्रस्त हो गए।
और फिर पूरे घर ने और डॉक्टर्स ने सब ने इनकी सारवार की, देखभाल की, और ये भगवान ने इनको वापस भेजा क्योंकि इनसे भगवान को बहुत काम लेना है। मतलब कि तबीयत ख़राब होने के बाद भी, कोरोना ग्रस्त होने के बाद भी इनका हौसला कम नहीं हुआ। और इसी बात पे मुझे एक शेर याद आ रहा है, पेश है, ये कैंचियाँ क्या कतरेंगी मेरे परों को, मैं परों से नहीं हौसले से उड़ा करता हूँ। वाह वाह, बहुत अच्छा। तो ऐसे हौसला ज़रूरी है। ऐसे हैं डॉक्टर मोहसिन वली, जो देश की जनता के लिए हमेशा हाजिर हैं, और यही कारण है कि दिल्ली में इनका निवास स्थान है, लेकिन इनके वेलविशर्स, इनके फ्रेंड्स, इनके पेशेंट्स पूरे देश और विदेश से इनके संपर्क में रहते हैं। यानी इनका संपर्क सूत्र बहुत वाइड है, विश्व बंधुत्व की भावना, विश्व परिवार की भावना से ओतप्रोत है। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर एक और नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए कैमरामैन सुनील गौतम के साथ मधु श्रीवास्तव का नमस्कार। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार।